ठाकुर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली जबलपुर कोलकाता उड़ान आज से शुरू, सांसद राकेश सिंह ने किया शुभारंभ, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। बहुप्रतीक्षित जबलपुर से कोलकाता की नई वायु सेवा गुरुवार से शुरू हो गई है। जूम एयरलाइंस द्वारा प्रारंभ की जा रही दिल्ली जबलपुर कोलकाता की नई उड़ान का शुभारंभ सांसद राकेश सिंह द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट में किया गया। वे इसी वायुयान से जबलपुर आए। दुमना विमानतल में सुबह 8:30 बजे सभी जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नई वायु सेवा का लोकार्पण व स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। जूम एयरलाइंस द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार नई उड़ान सुबह 8:10 बजे पर दिल्ली से प्रारंभ होकर 9:30 बजे जबलपुर आएगी। 10 बजे जबलपुर से प्रारंभ होकर 11:10 बजे पर कोलकाता पहुंचेगी। दोपहर 2:55 बजे पर कोलकाता से प्रारंभ होकर 4:10 बजे पर जबलपुर पहुंचेगी। शाम 4:30 बजे पर जबलपुर से प्रारंभ होकर 5:40 बजे पर दिल्ली पहुंचेगी। भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर, ग्रामीण अध्यक्ष शिव पटेल ने नई वायु सेना के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने व स्वागत के लिए दुमना विमानतल पर रेस्टोरेंट बनाया जाए। फिलहाल पैसेंजर व अटेंडेंट को देर तक इंतजार करना पड़ेगा। आसपास चाय नाश्ता का भी इंतजाम नहीं है। सदस्यों ने ये भी सुझाव दिया कि चार पहिया वाहनों से टैक्स की वसूली बंद हो, इससे वाहनों का लंबा जाम लग सकता है। वाहनों के लिए मासिक पास बनाया जाए। ओला एवं कैब वाहनों की सुविधा शुरू करना भी बेहतर विकल्प हो सकता है। हाँ बताइए, आप पहले फ्लाइट कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा ससुराल इधर है और 8 घंटे मेरे दिल्ली से जाना पड़ता है। अब सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट में जाएगी फ्लाइट, तो मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। कहाँ जा रहे हैं आज? कहाँ जा रहे हैं? मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। क्या नाम आपका? फॉलो मी। अच्छा, कहाँ रहते हो? मैं रहती हूँ लेक गार्डन्स। धन्यवाद। आरोपियों की गिरफ्तारी का विरोध, ग्रामीणों ने घेरा थाना, प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर की थी महिला की हत्या। मजौली थाना अंतर्गत पिपरिया के जंगल में महिला की हत्या अवैध संबंधों को लेकर की गई थी। प्रेमी को महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देखना प्रेमिका को इतना नागवार गुजरा कि उसने पेचकस से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पेचकस जब्त कर लिया है। पुलिस ने बुधवार को जबलपुर मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी से आक्रोशित ग्रामीणों ने मंजौली थाना का घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को जानबूझकर फंसाया है। 2 दिन तक हिरासत में पूछताछ के दौरान हत्या की वारदात स्वीकार करने पुलिस ने दबाव बनाया। मृतका के पति रामस्वरूप चौधरी का कहना था कि पति की हत्या में महिला का कोई हाथ नहीं है। पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर दोनों को आरोपी बना दिया। करीब 1.5 घंटे तक थाने में हंगामे की स्थिति बनी रही। बाद में पुलिस ने आरोपित की हत्या का वीडियो और हत्या में प्रयुक्त पेचकस ग्रामीणों को दिखाया, तब कहीं जाकर उनका आक्रोश शांत हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने बताया कि शनिवार को मझौली के ग्राम पिपरिया के जंगल में ग्राम गनियारी निवासी चित्तोबाई गोटिया उम्र 35 वर्ष की लाश मिली थी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए SDOP BL तिवारी, TI मझौली शवाना परवेज के निर्देशन में टीम गठित कर मामले की विवेचना शुरू की। जब प्रथम दृष्टया उसको मृतका की लाश को देखा गया तो उसकी गंभीरता को देखते हुए SP साहब ने तत्काल एक टीम बनाई और उसमें मैं SDOP साहब और हमारे CSP कोतवाली हरिओम शर्मा साहब, हम लोग तत्काल घटनास्थल भी पहुंचे।
वहाँ पर जाकर के जब बॉडी का निरीक्षण किया और आसपास के इलाके को देखा तो ये घटना ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी वहीं पर उस जंगल में घूमने वाले लोगों के द्वारा ही इस हत्या को किया गया। तो वहाँ पर जो जो मवेशी चराते थे और जो महिलाएँ लकड़ी गिनने के लिए आया करती थी उन सबके नाम पते मोहन करके और फिर हम लोगों ने पूछताछ प्रारंभ की। जब पूछताछ प्रारंभ किया तो घटनास्थल से करीब 100 मीटर आगे केवरिया गांव पड़ता है, वहाँ पर एक संतू गड़ारी है जो कि जिसकी खुद की भैंसे भी हैं और बकरियाँ भी हैं। करीब विगत 2 सालों से वहाँ पर संतू गड़ारी का रहना था, गतिविधियाँ कोई संदिग्ध सी नहीं इसकी। और एक छंडीबाई महिला जो कि आरोपिया है वो भी रामवाड़ा की रहने वाली है, इन दोनों के बीच में भी कुछ संबंध थे और ये घटना दिनांक को ये दोनों महापौर ने परेड जलाशय में किया पूजन अर्चन, बोली हे इंद्रदेव भर दो शहर के जलाशय, फिर गरज गरज कर बरसे बादल। अल्प वर्षा के कारण शहर के जलाशयों में गिरते जल स्तर और पानी के संकट को देखते हुए महापौर स्वाति गोडबोले ने भरपूर बारिश के लिए इंद्रदेव, पवन सुत और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। महापौर ने परेड जलाशय में इंद्रदेव, भगवान पवन सुत, शिव की पूजन अर्चन कर विनती की और जलाशयों को लबालब भरने की प्रार्थना की। पूजन के दौरान 21 नारियल की माला भी पवन सुत को अर्पित की। उन्होंने शहरवासियों को भी जल का सदुपयोग करने का आह्वान किया। इस दौरान निगम अध्यक्ष सुमित्रा बाल्मीक, SIC सदस्य तथा जल प्रभारी श्री राम शुक्ला, कमलेश अग्रवाल, मनप्रीत सिंह, ज्योति कुरील, कमलेश श्रीवास्तव आदि मंदिर में की गई पूजा के बाद शाम को बादल जमकर बरसे। दिन में तेज धूप और उमस से हलाकान लोगों को बुधवार शाम उस समय राहत मिली जब राजस्थानी हवा के झोंकों के बीच 49.8 मिलीमीटर 2 इंच बारिश हुई, जो जहां पर थे वहीं पर रुककर बारिश थमने का इंतजार करते रहे। सिविक सेंटर विनीत टॉकीज मार्ग समेत विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भरने से जाम लग गया, लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 32.2 और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सजने लगे माँ की दुर्गा के पंडाल, कहीं हवाई जहाज तो कहीं बन रहा माता रानी का महल। शहर में विभिन्न स्थानों पर नवरात्र के लिए माँ दुर्गा के पंडाल सजाए जाने लगे हैं। अधिकांश जगह विशेष झांकियां तैयार की जा रही हैं। बुधवार को समितियों के सदस्य तैयारियों में जुटे रहे। शारदा दुर्गा उत्सव समिति संजीवनी नगर द्वारा इस वर्ष पंडाल के समक्ष चलित वायुयान बनाया जा रहा है। वहीं गढ़ा में गोडवाना दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य दिन भर पंडाल तैयार करने में जुटे रहे। संजीवनी नगर में दुर्गोत्सव की तैयारियां जारी हो गई हैं और कार्यकर्ता लोग दिन में तो अपने काम पर रहते हैं लेकिन रात में माँ दुर्गा की सेवा भाव से लगे हैं झांकी बनाने के लिए। और यहां पर चलित विमान बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में एक अनोखा है। इसमें लोग विमान में बैठ के माँ दुर्गा जी के दर्शन करेंगे। लगातार कई वर्षों से ये अचानक हाँ बताइए भाई, क्या काम चल रहा है अभी नवरात्रि तैयारी? शारदा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा पिछले 37 सालों से मूर्ति को रखी जा रही है और पिछले 20 सालों से हम लोग कुछ ना कुछ नया अपनी संस्कारधानी को कुछ नया दे रहे हैं।
और इस वर्ष हमारी झांकी है चलित एरोप्लेन, जिसमें अपने 30 से 32 लोग एरोप्लेन में चलेंगे। और हम लोग पिछले 1.5 महीने से एरोप्लेन का निर्माण कर रहे हैं और एरोप्लेन इतना अच्छा बन रहा है कि आप वीडियो में देख सकते हैं। भैया आपका नाम बता दीजिए पूरा। आदित्य शर्मा। मैं जो भी समिति के सदस्य हैं जी, तो ये सभी कहीं ना कहीं व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और दिन में सब लोग अपना व्यवसाय करते हैं और रात में पूरी रात जग के इस एरोप्लेन का निर्माण में अपना। इसके पहले क्या बनाया था आपने? इसके पहले चलित मेट्रो ट्रेन। और ये दो चार जो प्रमुख चीजें हैं उसमें, हमने पहले ताजमहल बनाया था जी, और बेलूर मठ बनाया था, मेट्रो ट्रेन बनाई थी, लंदन ब्रिज बनाया था, क्रूज बनाया था। क्या नाम आपका पूरा? मेरा नाम प्रशांत पुरावी। हाँ भैया बताइए आप कैसा कैसा लग रहा आपको रात में? रात्रि में दुर्गोत्सव समितियों द्वारा गढ़ा गौंडवाना दुर्गोत्सव समिति द्वारा पंडाल बनाने का क्रम जारी है। देर रात तक कार्यकर्ता लोग मंच बनाने में जुटे हुए हैं। अखिल भारतीय सम्मेलन में निकाली शोभा यात्रा, डीजे की धुन पर खूब नाचे किन्नर। सिहोरा में 5 सितंबर से आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन में बुधवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली। किन्नरों ने बाबा ताल शिव मंदिर में घंटा चढ़ाकर तथा पुराना बस स्टैंड में कचहरी वाले बाबा के दरबार में चादर पोशी पर सौहार्द की मिसाल पेश की। जमावाड़े में खिचड़ी और पंचायत की रस्में पूरी होने के बाद किन्नर सम्मेलन में शामिल किन्नरों में शोभा यात्रा के लिए उत्सव बना था। रुक्मणी पैलेस से शुरू शोभा यात्रा में शामिल किन्नर डीजे और धमाल की संगीत धुनों के बीच खूब नाचते किन्नरों की खूबसूरती देखते ही बन गई थी। शोभा यात्रा में कटरा मोहल्ला, झंडा बाजार, काल भैरव चौक, आजाद चौक, स्टेट बैंक तिराहा, पुराना बस स्टैंड होते हुए कचहरी वाले बाबा के दरबार में पहुंची। सम्मेलन संयोजक सिहोरा की किन्नर गुरु माधुरी मौसी, कटनी पूर्व महापौर कमला मौसी, सागरपुर महापौर कमला के साथ शामिल किन्नर मुख्यालयों के गुरुओं ने बाबा के दरबार में चादर पोशी कर देश में खुशहाली की दुआ मांगी। गुजराती बीट्स पर गरबा छा रहा ढोलीड़ा का रंग, ढोलीड़ा ढोलीड़ा तारा बिना शाम जैसे गुजराती बीट्स पर गरबा की थिरकन हो रही है। हर किसी पर ढोलीड़ा रंग छा रहा है। गुजरात में आए हुए ट्रेनर्स पार्टिसिपेंट्स को कुछ ऐसे ही अंदाज में ट्रेनिंग दे रहे हैं, जहां वह फाइनल दिनों में गुजराती रंगों में नजर आएंगे। सिविक सेंटर स्थित कच्छी जैन समाज भवन में पत्रिका प्रेजेंट्स पानबहार डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पार्टिसिपेंट्स को हर दिन नए गरबा के स्टेप्स के बारे में समझाया जा रहा है। पार्टिसिपेंट्स के बीच भी गरबा को लेकर उत्साह इस कदर नजर आ रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर्स में पहले से ही पहुंच जाते हैं ताकि दूसरे पार्टिसिपेंट्स को देखकर स्टेप्स क्लियर कर सके। पार्टिसिपेंट्स के बीच गरबा का खुमार ऐसा छाया हुआ है कि उनके लिए एक घंटा भी गरबा करने के लिए कम पड़ता है। वे गरबा की प्रैक्टिस में इस कदर डूब जाते हैं कि उनकी थकान भी नहीं लगती। बैच के बीच में भले ही थोड़ा ब्रेक मिलता है, लेकिन उसके बाद भी पार्टिसिपेंट्स अपनी जगहों पर पहुंचने के बाद भी दोस्तों के स्टेप्स क्लियर करते नजर आते हैं।
जैसे वो फाइनल के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए पार्टिसिपेंट्स के बीच गजब का उत्साह नजर आ रहा है, वे हर दिन नए स्टेप्स को सीख रहे हैं। साई खेड़ा की दुर्दशा, अच्छा काम किसी को पसंद नहीं। नरसिंहपुर के गाड़रवारा में हो रही फॉगिंग, मच्छरों की भरमार होने से बढ़ रही बीमारियां, अब सक्रिय हुई नगर पालिका। मच्छरों की भरमार होने से गाड़रवारा में बीमारियां बढ़ रही हैं, अस्पतालों में लोगों की भीड़ लगी हुई है।
जहां देखो वहां मरीज कतारें लगाकर इलाज करने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे में अब नगर पालिका सक्रिय हुई है, नगर में मच्छरों पर लगाम लगाने की फॉगिंग कराई जा रही है, देर रात तक फॉगिंग का यह काम चल रहा है। संचालन गीत और भाषण रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में संस्कृत दिवस समारोह। संस्कृत बोलना आसान नहीं है, लेकिन बुधवार को पूरा आयोजन संस्कृत में हुआ। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संस्कृत पाली एवं प्राकृत विभाग के तत्वाधान में संस्कृत दिवस समारोह मनाया गया। आयोजन का मुख्य आकर्षण संस्कृत भाषा में आयोजन था। यहाँ संचालन से लेकर भाषण और गीतों की प्रस्तुति भी संस्कृत में हुई। मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भावी पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए संस्कृत पर किए जा रहे रिसर्च पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी कुलपति डॉक्टर जे एन केलर ने संस्कृत की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डाला और संस्कृत का भारतीय ज्ञान विज्ञान का मूल बताया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राधिका प्रसाद मिश्र ने संस्कृत का प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। दुर्गावती विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में आज एक अनोखा आयोजन होने जा रहा है। यहाँ संस्कृत दिवस समारोह मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि ये आयोजन पूरी तरह संस्कृत भाषा में हो रहा है। संचालन से लेकर युवा संस्कृत भाषा में भाषण दे रहे हैं एवं युवाओं द्वारा संस्कृत गीत भी तैयार किया गया। आगे कमिश्नर गुलशन बामरा ने विक्टोरिया का निरीक्षण किया। अस्पताल में सुदामा थाली के पास 5 साल संभागीय कमिश्नर गुलशन बामरा ने विक्टोरिया का निरीक्षण किया। अस्पताल में सुदामा थाली के 5 वर्ष पूरे होने पर खाना भी खिलाया। कमिश्नर गुलशन बामरा इन दिनों ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। सरकारी विभागों और कार्यालयों के आकस्मिक दौरे के दौरान उनके निरीक्षण में जहां कई अव्यवस्थाएं खुलकर सामने आ रही है, वहीं सरकारी कामकाज चुस्त हो रहा है। प्रशासनिक हलकों में उनके आकस्मिक दौरे की चर्चा है और इससे अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप सा मचा है। बुधवार को कमिश्नर गुलशन बामरा विक्टोरिया अस्पताल के दौरे पर निकल पड़े। यहां उन्होंने अस्पताल के परिसर का व्यापक निरीक्षण किया। कमिश्नर गुलशन बामरा जी ने आज विक्टोरिया अस्पताल के दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कहां पर किस तरह से पैसे का उपयोग किया गया है और क्या कमी रह गई है। सर सबको दो लेकिन ऐसा ना हो कि
कांग्रेस ने किया घेराव, भड़के नागरिक, बिजली को लेकर असंतोष बढ़ा। कांग्रेस द्वारा नगर निगम का घेराव, सदर बिजली कार्यालय को घेरा। बिजली के बिल करंट मार रहे हैं, बिजली के बिल ज्यादा आने से लोग परेशान हो रहे हैं, नागरिकों का असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस भी आगे आ गई है और बिजली बिलों की मनमानी का विरोध कर रही है। बुधवार को कांग्रेसी नेताओं ने इस मुद्दे पर नगर निगम का घेराव कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदर बिजली कार्यालय को घेरा और अधिकारियों से बात की। इधर आमजन भी अपना विरोध दर्शा रहा है। कई महिलाएं ने बिजली बिल ज्यादा भेजे जाने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से बिल नहीं देने की बात भी कही। अरे मीटर की रीडिंग हर माह हो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 30,000 का बिल, एक गरीब व्यक्ति। कितने का बिल? 30,000। इधर क्या नाम आपका? मधुलता मुक्ता। ये 30,000 का बिल है। और सदर में आए दिन एक प्रोपेगंडा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा किया जा रहा है। अनाप शनाप बिजली के बिल, जिसके पास 1,000 रुपए का बिल आता रहा, जिसके पास 20,000 रुपए का बिल है। एक ताना शाही झूठ का रवैया जो एमपीपी का है, उसको हम लोग आज ज्ञापन देने आए और अधिकारी गायब है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हफ्ते पहले से जानकारी देने के बाद अगर अधिकारी लोग गायब उनके मन में चोर है और डर है। ठेकेदारी पता बंद होना चाहिए। हमारा देश है कि जो लोग सही कर्मचारी हैं वो लोग काम करें, और नहीं तो नहीं तो सारे लोगों को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। हर महीने 3 महीने में अधिकारियों के ट्रांसफर होना चाहिए, जिससे कार की कार्य में तैयारी हो। ये परसों उसने सुधारा, उसके बाद उतनी दिन देना मत। क्या है ये बिल? 150 मिलाते थे, मुझे 5,000 मिला। अभी हमें ज्ञापन करा लो, रोड पे आप बैठ के बात करो। नहीं, मानव अधिकारों की जानकारी जिला सत्र न्यायाधीश अनिल मोहनिया व अन्य न्यायाधीशों ने जेल के बंद कैदियों को दी मानव अधिकारों की जानकारी। मानव अधिकार आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जेल में बंद कैदियों को मानव अधिकारों की जानकारी दी गई। जिला सत्र न्यायाधीश अनिल मोहनिया ने कैदियों को मानव अधिकारियों के बारे में विस्तार से बताया। जिला न्यायाधीश के साथ ही कई अन्य न्यायाधीशों ने भी कैदियों को उनके कानूनी व विधिक अधिकारों की जानकारी दी। इस मौके पर जेल व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। हम लोग पुनः आपके बीच में हैं। हर बार हर महीने हमारा ये कैंप जेल में लगाया जाता है। कुछ कैदी यहाँ पर जो हमारे बंदी हैं, जो पहले से यहाँ पर निरुद्ध हैं, कुछ नए आए हुए हैं। इसलिए हम लोग हर महीने यहाँ पर आते हैं, ताकि आप लोगों को जो कानून में अधिकार दिए गए हैं, जो जेल में आप लोगों के अधिकार हैं, उनके बारे में आपको बताया जा सके, आपको समझाया जा सके। यही उद्देश्य हमारे हर बार यहाँ आने का, जो कैंप हम लोग लगाते हैं, उसका उद्देश्य यही होगा। मानवाधिकार स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। जैसा बताया गया कि सभी को अधिकार दिए हैं कानून ने, उन अधिकारों का क्रियान्वयन भी हम लोगों को कराना होगा। आप लोगों को भी अधिकार दिए हुए हैं, कैदियों को भी अधिकार दिए हुए हैं, तो क्या उन अधिकारों का सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका भी सुपरविजन जिसको कहते हैं, इसका भी जो जांच है या जो इसकी वो है, वो देखी जानी आवश्यक होती है। और इसीलिए हम लोग हर महीने आते हैं, ताकि आप लोगों के बीच कोई समस्या है, आप लोगों को कोई रेगुलेशन हुआ, वो आज का दिन है। आज का दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे नटवाल साहब ने कहा कि आप सब लोग जो है अधिकारों का उल्लंघन करते हुए यहाँ इस स्थिति में आए हैं, इनकी बात। पल्सिंग हो तो नहीं करें बाहर का भोजन। कटनी जिला अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने मरीजों को फूड पॉइजनिंग को लेकर जागरूक किया।
जिला अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने मरीजों को फूड पॉइजनिंग को लेकर जागरूक किया। इस दौरान छात्राओं ने फूड पॉइजनिंग के कारण दुष्परिणाम व उससे बचने के उपाय बताए। नर्सिंग छात्राओं ने बताया कि फूड पॉइजनिंग होने पर बाहर का कुछ भी ना खाए और दस्त लगने पर शरीर में पानी की कमी ना होने दें। यदि ऐसा हो तो खूब पिए पानी और हल्का व सुपाच्य भोजन ही लें। ठीक। अपने खाने में ताजा दूध, ताजा दही और ताजे फल, ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां यही ज्यादा खाया करिए। रोज व्यायाम करिए, सुबह टहलिए और अपने बच्चों को भी ताजा ही सब्जी खिलाइए। सेमिनार में स्टूडेंट्स ने दिखाया उत्साह। हवाबाग कॉलेज में प्रोफेसर और वक्ताओं ने स्टूडेंट्स को दी नसीहत। शहर के प्रतिष्ठित हवाबाग कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। नंदा रोड पर गोरखपुर के पास स्थित इस कॉलेज में हुए सेमिनार में स्टूडेंट्स ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। सेमिनार में कॉलेज के प्रोफेसर और वक्ताओं ने विषय के साथ ही करियर निर्माण के लिए अन्य बातों पर भी बल दिया। कभी सम्मेलन में अपने आप को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपनी स्वयं रचित कविता या अपना लिखा हुआ कुछ या जो भी वो प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं कविता के रूप में, सब्जेक्ट चाहे वो प्रकृति के ऊपर हो, चाहे वो समाज के ऊपर हो, चाहे वो कविता आपके राष्ट्र के ऊपर हो, इन सारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल मलिक। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना सरकार का अनोखा प्रयास। सिहोरा कृषि उपज मंडी में व्यापारियों को दी योजना की जानकारी। सिहोरा कृषि उपज मंडी में शासन की भावांतर भुगतान योजना की प्रक्रिया को लेकर अनाज व्यापारियों को जानकारी दी गई। मंडी अध्यक्ष सुशीला परस्ते, उपाध्यक्ष और सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित बैठक में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ सीजन की धान, उड़द और मूंग की खरीदी भावांतर योजना के अंतर्गत किए जाने की जानकारी दी गई। मंडी सचिव केपी ने व्यापारियों को बताया कि भावांतर योजना के तहत किसान अपनी उपज को बेचने सहकारी समितियों में पंजीयन कराएंगे, जो 1 सितंबर से शुरू हो गया है। क्या ये 1 अक्टूबर तक किसानों के पंजीयन के बाद 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक पंजीकृत किसान सिहोरा कृषि उपज मंडी में व्यापारी अपनी उपज बेचेंगे। अधिकतम बाजार मूल्य और सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के बीच का अंतर किसान के खाते में शासन द्वारा सीधे भुगतान किया जाएगा। वो जिनसे भी जो आज समर्थन मूल्य पे, कौन से जिनसे हैं आज समर्थन मूल्य पे, हमारी उड़द, मूंग, तुअर, आपका धान, गेहूं, है ना, ये अभी समर्थन मूल्य में चल रहा है। भावांतर योजना जो आई है उन जिन्सों के लिए अभी आई है जिसका केंद्र शासन ने समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है, ठीक है। और जो एमपी में प्रारंभिक रूप में मंडियों में, सभी मंडियों में आती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं आती है, इसका रकबा। तो ये थे आज के समाचार। अन्य खबरों के लिए बने रहे पत्रिका पर, या फिर आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.patrika.com पर। नमस्कार, जय हिंद।